क्लाइंट्स फॉर ग्रुप, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप। इसकी खास बात क्या है? इसको कंस्ट्रक्ट करने के हमें लॉजिक याद होना चाहिए। इसमें तीन दो ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं और एक एक ऑर्डर का आइडेंटिटी एलिमेंट है, और जो लास्ट एलिमेंट है वो पहले तीन एलिमेंट के प्रोडक्ट से बना है। और सभी लोग ये सेटिस्फाई करते हैं ना, जैसे दो ऑर्डर के हैं तो इनका स्क्वायर करने से आइडेंटिटी आना चाहिए, ये बात यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ऐसे करके हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स वो ग्रुप बना सकते हैं, जैसे कि दो एग्जाम्पल्स आपके सामने। एक हमने बनाया है Z2 के हेल्प से, उसका इंटरनल या एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट करके, और दूसरा हमने बनाया है S4 का, यानी कि सिमेट्रिक ग्रुप का एक सब ग्रुप। तो यहाँ पे हमने कैसे बनाया, ये चार एलिमेंट्स लिए, ये आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करें, ये दोनों वन ऑर्डर के, ये दोनों टू ऑर्डर के हैं और ये भी टू ऑर्डर का है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे कैसे बनाया, आइडेंटिटी एलिमेंट ये दोनों कैसे हैं, दो ऑर्डर के, इसके प्रोडक्ट से एक और दो ऑर्डर का यहाँ पे बन रहा है। ये दोनों क्लाइंट्स फॉर सब ग्रुप या क्लाइंट्स फॉर ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। ये बहुत स्पेशल एग्जाम्पल क्यों है ग्रुप थ्योरी का, क्योंकि ये वाहिद ऐसा ग्रुप है जो कि अबेलियन है पर साइक्लिक नहीं है और आसानी से इसको पहचाना जा सकता है। तो इस चक्कर में ये एग्जाम्पल लैग्रांजियस थ्योरम और ऐसी बहुत सारी थ्योरम्स के काउंटर एग्जाम्पल के लिए काम आता है। तो ऐसे और 1 मिनट शॉर्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानने के लिए मैथमेटिक्स में आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं और इस चैनल ट्रिप बोहेमिया को सब्सक्राइब कर लें और मैथ सीखते रहें।